कॉफी। फ्रेशली ब्रूड कॉफी की क्या मजेदार फ्रेग्रेंस होती है ना, ऐसे लगता है कि बस पीने के लिए अभी मिल जाए। एंड आई ऑलवेज लाइक टू ड्रिंक माय कॉफी बिफोर इट गेट्स कोल्ड। और यहाँ आपके लिए ठंडी होने से पहले कॉफी पीना आपके इंसान रहने और भूत बनने का सवाल है। हेलो दोस्तों, नाम है निशा, चैनल किसी कहानी और किताबों पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक बार फिर लेकर आ गई हूँ कंटिन्यूएशन नॉवल बिफोर द कॉफी गेट्स कोल्ड, जिसे लिखा ताशुकाजी कावागुची ने। 2015 में लिखी गई ये नॉवल, जिसमें बात हो रही है एक कैफे की, फेनिकुली फेनिकुला, जो आपको टाइम में ट्रेवल करवा सकते हैं, आपको पास्ट में ले जा सकते हैं। आपने पास्ट में अगर कोई गलतियां की है या फिर किसी का कुछ कहना था नहीं कह पाए, वो मौका आपको ये कैफे दिलवा रहा है। बट बहुत सारे बट हैं, क्योंकि बहुत सारे वियर्ड रूल्स हैं जिनको आपको फॉलो करना होगा, तभी आप पास में जा सकते हो। कैफे की बात करें तो कैफे बना 1874 में, 140 साल पुराना कैफे। टाइम के साथ साथ कुछ अमेंडमेंट्स तो की गई, उस समय तो लाइट भी नहीं थी, तब लाम चलते थे और बाद में कुछ लाइट्स लगवा दी गई। बट ये कैफे जो कि बेसमेंट में है, थोड़ा ग्लूमी है, लाइट थोड़ी कम है, बाहर दिन या रात का कुछ पता नहीं चलता, सिर्फ एक सीलिंग फैन है। फिर भी मिस्टीरियसली ये कैफे हमेशा ठंडा रहता है बिना एसी के। जापान में भी अच्छी खासी गर्मी होती है, गर्मियों में 40 क्रॉस कर जाता है टेम्परेचर, बट स्टिल इस कैफे में एसी नहीं है और कैफे बहुत ठंडा रहता है। एक और अजीब चीज है, 3 बड़ी बड़ी एंटीक क्लॉक्स लगी हुई है जिनमें अलग अलग टाइम है। सही टाइम अगर आपको जानना है तो अपने हाथ पर लगी घड़ी ही देखनी होगी, तभी आप सही टाइम जान पाओगे। खैर, इस कैफे की लास्ट सीट पर बैठी है एक लड़की जिसने शॉर्ट स्लीव्स की वाइट ड्रेस पहनी है। हमेशा गर्मी हो या सर्दी, वो लड़की वहाँ बैठकर बुक पढ़ती रहती है और कॉफी पीती रहती है, हॉट कॉफी। और अगर आपको टाइम में ट्रेवल करना है तो इसी सीट पर बैठना होगा। ये लड़की अपनी मर्जी से पूरा दिन में एक बार वॉशरूम जाती है, तभी आप इस सीट पर बैठ सकते हो। ये लड़की आपके कहने पर नहीं उठेगी, अगर आप इसे जबरदस्ती उठाने की कोशिश करोगे तो आपको कर्ज दे देगी, क्योंकि ये एक्चुअल में भूत है। टाइम में ट्रेवल किया था, अपने हस्बैंड से मिलने गई थी जिसकी डेथ हो चुकी थी, और वहां जाकर कॉफी ठंडी होने से पहले वापस नहीं आई और बन गई भूत। तो ये हुआ एक रूल कि आपको कॉफी ठंडी होने से पहले वापस लौटना है। दूसरा, सिर्फ इसी सीट पर बैठकर आप पास में जा सकते हो। तीसरा, आप पास में जाकर कुछ भी करो बट प्रेजेंट चेंज नहीं होगा। प्रेजेंट चेंज नहीं हुआ तो पास में जाने का क्या फायदा। बट आपने दो स्टोरीज तो सुनी, आपको समझ में आया होगा फायदा। आप प्रेजेंट चाहे ना बदल सको बट स्टिल अपनी फीलिंग्स तो शेयर कर ही सकते हो। खैर, दो लोगों की कहानियां हम सुन चुके हैं, दो लोगों की कहानियां अभी और सुननी बाकी है। ये कहानी सुने उससे पहले कैफे की लास्ट सीट पर एक 15-16 साल की प्यारी सी लड़की बैठी हुई है। नगाड़े जो इस कैफे का ओनर है, उसने उस सीट पर उस लड़की को बैठे देखा तो मुस्कुरा दिया। तुम किसी से मिलने आई हो? नहीं, उस लड़की ने मुस्कुराकर कहा। नगाड़े जो बहुत हैरान हुआ ये देखकर। तभी कैफे का दरवाजा खुला और यहाँ पर जो वेट्रेस है काजू, जो कि नगाड़े की कजिन भी है, वो एंटर हुई। हाय, उस लड़की को देखकर काजू ने कहा। हेलो, तुम किसी से मिलने आई हो? हाँ। ये देखकर नगाड़े हैरान हो गया, अभी तो मना कर रही थी, अब हाँ कह रही है। काजू ने नगाड़े की तरफ देखा। तुमसे मिलने आई है? नगाड़े एक्साइटेड हुआ, उस लड़की के पास जाकर बैठ गया। तुम मुझसे मिलने आई हो? नहीं। आर यू श्योर तुम मुझसे मिलने नहीं आई? नहीं नहीं, मैं आपसे मिलने नहीं आई। तो फिर किससे? पता नहीं। नगाड़े निराश होकर काउंटर के पास चला गया और जाकर उस लड़की के लिए एक सैंडविच बनाकर ले आया। बट मैंने तो कुछ ऑर्डर नहीं किया। हाँ, ये हमारी तरफ से ट्रीट है। नगाड़े और काजू जानते हैं कि ये लड़की पास्ट में से आई है, किससे मिलने आई है उन दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा। बट तभी कैफे में एंटर हुई के। हाय। हेलो,
उस लड़की ने के की तरफ देखकर कहा और के अंदर जाने लगी। तब उस लड़की ने आवाज लगाई, एक्सक्यूज मी। के ने पीछे मुड़कर देखा। हाँ, काजू ने कहा, तुम इनसे मिलने आई हो? हाँ, मैं इनसे मिलने आई हूँ। काजू ये देखकर बहुत हैरान थी। पास्ट में कोई कैफे के किसी मेंबर से मिलने आए, ये बहुत हैरानी की बात है। के जो कि नगाड़े की वाइफ है, के उस लड़की के पास चली गई जिसकी कॉफी ठंडी होने वाली है, उसे वापस फ्यूचर में लौटना है। क्या आप मेरे साथ एक फोटो खिंचवा सकती है प्लीज? के जो कि बहुत ही लाइवली है, हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती है, बहुत केयरफ्री भी है, उसने कहा, अच्छा मैं एक बार अपना मेकअप ठीक कर लूं। पर काजू ये देखकर बहुत हैरान थी। तब के ने मेकअप ठीक किया, वो लड़की तो उठकर बाहर आ नहीं सकती, इसलिए के उसके पास जाकर बैठ गई। तुम्हारे पास कैमरा है? हाँ, ये रहा। उस लड़की ने एक पत्ती सी रेक्टेंगुलर चीज काजू के हाथ में पकड़ा दी। ये कैमरा है? हाँ, ये कैमरा ही है। इसमें ये बटन देख रही है ना, बस इसे प्रेस कर दीजिए। काजू ने उस लड़की से वो कैमरा लिया और उस बटन को प्रेस किया, फोटो खिंच गई। फोटो खींचते ही वो कैमरा उस लड़की ने काजू के हाथ से लिया और अपनी पूरी कॉफी पी ली और उस जगह पर वापस वही शॉर्ट स्लीव वाली वाइट ड्रेस में लड़की आ गई। ये लोग बहुत हैरान थे कि फ्यूचर में से कोई लड़की आई, प्यारी सी छोटी सी, और के साथ फोटो खिंचवा कर चली गई। हाउ स्ट्रेंज। तभी वहाँ कोटाके आ गई। हाय कोटाके। कोटाके, उसने हैरानी से कहा। काजू और के ने एक साथ मुस्कुराते हुए कहा, ओ आई एम सॉरी मिसेस मुसागी। हाँ, कोटाके हंसने लगी और बैठ गई। उसने कॉफी ऑर्डर की थी और नगाटे से पूछा, ये हिराए का बार कह रहे हैं 2 दिन से बंद है, सब लोग पूछ रहे हैं, क्या हुआ, कहाँ गई है हिराए? नगाड़े ने सर झुकाकर कहा, वो उसकी बहन, उसका एक्सीडेंट हो गया है, उसकी डेथ हो गई है, तो वो वहीं पर गई है। ओ, उसकी बहन जो उसे यहाँ पर मिलने आती रहती थी? कोटाके ने बहुत हैरानी से पूछा। हाँ वही। अभी ये लोग बात कर ही रहे थे कि बाहर से आवाज आई, कोई है क्या बाहर, मेरे लिए नमक लेकर आओ जल्दी। ये आवाज हिराए की ही थी, जो बहुत चीयरफुल भी लग रही थी। एक्चुअल में अगर आप किसी के फ्यूनरल से आए हो तो आपको पहले ये रिचुअल फॉलो करना होता है, नमक से अपने आप को प्यूरिफाई करना होता है। ये सुनने के बाद नगाड़े नमक लेकर बाहर चला गया। रिचुअल करने के बाद हिराए अंदर आई, जिसने एक शॉर्ट फ्लैशी सी ड्रेस पहनी हुई थी, बालों में कर्ल्स किए हुए थे, हाथ में बैग लिया हुआ था। ओ माय गॉड, मैं बहुत थक गई हूँ, पानी मिलेगा? परसों तो इसकी बहन की डेथ हुई थी, आज ये यहाँ पर है। ये देखकर काजू के नगाड़े, यहाँ तक कि कोटाके भी बहुत हैरान हुई थी। हिराए का एटीट्यूड सबको ही बहुत अजीब लग रहा था। वो इतने काम कैसे हो सकती है, उसकी छोटी सिस्टर की डेथ हो गई है। हाँ, पता है कितना थक गई हूँ मैं। परसों मेरे मॉम डैड के यहाँ से एक एम्प्लॉय का फोन आया, उसने मुझे कोमी के बारे में बताया। उसी समय मैंने टैक्सी बुक की और कपड़े भी नहीं चेंज किए, बालों में कर्ल्स भी लगे हुए थे, ऐसे ही चली गई बिना किसी चीज की परवाह किए, चप्पलों में ही। घर पहुंची तो हमारा घर बिल्कुल एंशियंट जापानीज होम की तरह है, वैसा का वैसा ही था। 12 साल बाद गई थी, कोने के कमरे में पहुंची थी तो वहां पर कुमी की बॉडी रखी हुई थी, व्हाइट क्लॉथ में लिपटी हुई। उसका चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो सो रही है और अभी उठ जाएगी। पास में पापा भी थे, बात करने की कोशिश की, उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। थोड़ी देर बैठकर फिर मैं चली गई, मैंने जाकर कपड़े खरीदे। देखो ये ड्रेस मेरी अच्छी लग रही है ना, फ्यूनरल के लिए खरीदी थी, और शूज भी खरीदे। उसके बाद फ्यूनरल पर मैं उन लोगों से तो दूर ऑडियंस में ही जाकर बैठी थी। मॉम ने एक बार मेरी तरफ देखा था बट रिस्पॉन्स नहीं दिया। छोड़ो, जब उन लोगों को मुझसे बात ही नहीं करनी तो मुझे क्या करना था, जब उन्हें मेरी जरूरत ही नहीं है, तो मैं वापस आ गई। तो यहाँ क्यों आई, सीधा अपने पब में चली जाती ना, नगाड़े ने कहा। तुम्हें क्या लगता है, मुझे बुरा नहीं लग रहा? मुझे बुरा लग रहा है, पर मुझे इन सीरियस चीजों के साथ ना डील नहीं करना आता।
आई नो, वो मेरी छोटी बहन है और मैं उसे प्यार भी करती थी, ऐसी बात नहीं है। जब मैंने घर छोड़ा तो मैं 18 साल की थी और वो 12 साल की। जब वो पैदा हुई तो मॉम डैड तो काम पर चले जाते थे, मैं उसे लेकर स्कूल जाती थी। जब रोती थी तो उसे दूध पिला देती थी। मैंने उसे पाला है, बट मैं उनकी तरह बंधनों में बंध कर नहीं रह सकती थी। मुझे फ्रीडम चाहिए थी, एक अच्छी लाइफ चाहिए थी, तो मैं घर छोड़कर चली गई। घर छोड़कर क्या गई, उन लोगों ने मुझे डिसओन कर दिया। जब कोमी 18 साल की थी तो वो मुझे ढूंढती हुई यहाँ पर आई थी। हर थोड़े थोड़े दिनों में यहाँ पर आ जाती थी यार, मुझे कन्विंस करने के लिए, घर चलो घर चलो घर चलो। शुरू शुरू में तो मैं उससे बात करती थी, मिलती थी। हाँ, पिछले 2 साल से मानती हूँ उसे अवॉइड करने लगी थी, इरिटेट हो गई थी। उसे भी तो फ्रीडम चाहिए थी, वो सोच रही थी कि मैं वहां जाकर उन लोगों का काम संभालूं और वो आराम से ऐश करे। थक गई थी यार मैं, बस हो गया था मेरा। तभी के अंदर गई और कोमी का वो लास्ट लेटर ले आई। ये लो, मैंने फेंका नहीं था। हाँ, हिराई ने जब कोमी का लास्ट लेटर अपने हाथ में लिया और उसे पढ़ा तो हिराई की आंख में आंसू आ गया था। समझती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, कम से कम उस दिन मुझे कोमी से मिल लेना चाहिए था। काश मैंने ऐसा ना किया होता। क्या मैं पास में जा सकती हूँ 3 दिन पहले और कोमी से मिल सकती हूँ? के ने कहा। हाँ, मिल क्यों नहीं सकती, मिल सकती हो। हाँ, कम से कम मैं उससे अपनी गलतियों के लिए माफी तो मांग पाऊंगी। जानती हूँ प्रेजेंट तो नहीं बदल सकती, बट एटलीस्ट एक मौका तो मिलेगा उससे मिलने का। ठीक है, मैं पास में जाऊंगी। हिराई खड़ी हुई और उस लड़की के पास पहुंच गई लास्ट सीट पर। एक्सक्यूज मी, क्या तुम इस सीट से उठोगी, मुझे यहाँ बैठना है। उस लड़की ने रिस्पांस नहीं दिया। हिराई प्लीज ऐसा मत करो, के ने कहा। बट हिराय कहाँ ही किसी की सुनती है कभी। उसने उस लड़की को पहले हिलाया, उसका कंधा पकड़ा और वो फिर भी नहीं हिली तो उसका हाथ पकड़ के खींचा और वही हुआ जो पहले हुआ था। उस लड़की ने घूर के जब हिराय की तरफ देखा तो हिराय को लगा जैसे उसका वजन बढ़ रहा है। कैफे की लाइट्स डिम हो गई हैं, सब कुछ घूम रहा है, उसे चक्कर आने लगा और वो पीछे जाकर गिर गई। जब काजू ने ये देखा तो वो उस लड़की के पास गई, उसे पूछा, वुड यू हैव सम मोर कॉफी? यस। काजू अंदर गई और उस लड़की के लिए कॉफी ले आई। जैसे ही उस लड़की ने कॉफी पीना शुरू किया, हिराय को बेहतर महसूस होना शुरू हुआ। ये सब कुछ क्या है, तुम सुनती क्यों नहीं हो किसी की? वो जब वॉशरूम जाएगी तब जाएगी, हम कुछ नहीं कर सकते। प्लीज काजू, कुछ करो ना, मुझे जल्दी अपनी बहन से मिलना है, प्लीज तुम कुछ तो कर सकती होगी, हिराय ने कहा। ट्राई कर सकती हूँ। उसके बाद काजू अंदर गई और कॉफी ले आई। वुड यू हैव सम मोर कॉफी? उस लड़की का कॉफी का कप पूरा भरा हुआ था, उसने कहा, यस प्लीज। उसने वो कॉफी पूरी पी ली और काजू ने एक और कप कॉफी उसमें पोर कर दी। कप अभी तक उसने टच भी नहीं किया था, पर काजू ने पूछा, वुड यू हैव सम मोर कॉफी? यस प्लीज। ये कहकर उस लड़की ने फिर से कॉफी पूरी पी ली। वहां सब लोग समझ पा रहे थे कि काजू क्या कर रही है। ऐसे करते करते काजू ने उसे 7 कप कॉफी पिला दी। सब लोग ये देख रहे थे। कोटाके ने पूछा, ये लड़की कॉफी के लिए मना क्यों नहीं करती, इतना अनकंफर्टेबल हो रही है तो? जिस पर काजू ने कहा, नहीं कर सकती क्योंकि ये रूल है। उसके बाद वो लड़की थोड़ी अनकंफर्टेबल हो गई थी, थोड़ा अब धीरे कॉफी पी रही थी, बट फिर भी फाइनली 9 कप्स कॉफी पीने के बाद उस लड़की ने किताब बंद की, काजू की तरफ देखा और कहा, मुझे वॉशरूम जाना है। वो लड़की जैसे ही खड़ी हुई वॉशरूम की तरफ गई, तब हिराय फटाफट से जाकर उस चेयर पर बैठ गई और काजू उस सेरेमनी के लिए तैयार हो गई। वो अंदर से सिल्वर ट्रे, सिल्वर कैटल और वाइट कप लेकर आ गई। रूल्स पता है ना, यू हैव टू कम बिफोर द कॉफी गेट्स कोल्ड। हाँ पता है, सब पता है। हिराय सोच रही थी कोमी के लेटर के बारे में।
हिराए जो कि अपने माँ बाप के सपनों को तोड़कर घर से भाग कर आ गई थी, कोमी ऐसा नहीं कर पाई थी। हिराए की तरह वो सेल्फिश नहीं हो पाई थी, पर कोमी का एक सपना था और हिराए के सेल्फिश डिसीजन की वजह से उसका वो सपना टूट गया था। हिराए ने अपनी फ्रीडम के लिए कोमी को खो दिया था। वो बहुत दुखी थी। कम से कम वो पास में जाकर कोमी को ये तो कह पाएगी, प्लीज फॉरगिव योर सेल्फिश बिग सिस। जब आप पास में जाते हो किसी डेड पर्सन से मिलने तो आपको टाइम का अंदाजा नहीं रहता। ये सोचकर काजू ने हिराए के कप में एक इंडिकेटर डाल दिया था और कहा था कि जब कॉफी ठंडी होगी तो यहाँ पर बीप बजेगी, इसलिए प्लीज डू ड्रिंक द कॉफी बिफोर इट गेट्स कोल्ड। हिराए ने हाँ कहा था। काजू ने कॉफी पोर करना शुरू किया था, स्टीम निकलना शुरू हुई थी। हिराए अनकंफर्टेबल फील होना शुरू हो गई थी, उसे डिजीनेस होने लगी थी, बट उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। 7 साल पहले वो इस कैफे में आई थी और यहाँ के लोगों से मिलकर उसे बहुत अच्छा लगा था। तब से वो लगातार डेली इस कैफे में आ रही है। हिराए ने अपना घर छोड़ा था जब वो 18 साल की थी और कोमी सिर्फ 12 साल की थी। जब वो 24 साल की हुई और कोमी 18 साल की, तब से कोमी उसके पीछे यहाँ टोक्यो में आ रही थी, उसे इंसिस्ट कर रही थी कि वो घर वापस जाए। हिराए ने अपनी आंखें खोली, कैफे का सीन चेंज हो गया था। सामने काउंटर पर केक खड़ी हुई थी, फुसागी अपनी ट्रेवल मैगजीन्स के पन्ने पलट रहा था, उसकी दूसरी ओर कोटा के बैठी हुई थी। जब के ने उस सीट पर हिराए को देखा तो वो हैरान हो गई। तुम फ्यूचर से आई हो? हाँ। पानी हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ आता है, ऐसा ही इमोशंस का भी है, और जब आपको इमोशन छिपाने हो किसी अपने से तो वो बहुत मुश्किल होता है। स्ट्रेंजर्स के सामने तो आप फिर भी एक्ट कर लेते हो, ऐसी ही मुश्किल हिराए को भी हो रही थी। की के सामने वो अपनी फीलिंग्स को कैसे छुपाए, बहुत मुश्किल से अपने आंसुओं को रोक रही थी। हाथ में कोमी का लेटर था। मैं अपनी बहन से मिलने आई हूँ। वो बहन जिससे तुम हमेशा भागती रहती थी? हाँ। तुम ठीक तो हो ना हिराए? उसने अपनी आंखों के आंसू रोक तो लिए थे, पर चेहरे पर दुख साफ साफ दिख रहा था। हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर एक और बार के कुछ कहती तो हिराए फूट पड़ती और उसे सब कुछ शायद सच सच बता देती। तभी कैफे की बेल बजी। हिराए जानती थी कि ये कोमी ही होगी। बीच वाली घड़ी में 3 बजे हैं। उस दिन 3 बजे ही कोमी आई थी। हिराए को पता है कि ये जो 3 एंटी क्लॉक्स है इसमें से बीच वाली घड़ी का टाइम बिल्कुल ठीक है। जैसा उसने सोचा था, कोमी एंटर हुई। हे बिग सिस। हाय। ओ माय गॉड, आज आप मुझे इतनी आसानी से मिल गई। ओ आई एम सो लकी। हिराए कोमी को देखकर मुस्कुरा रही थी। यस इवन आई एम। आओ ना यहाँ बैठ जाओ। एवरीथिंग ओके सिस? हाँ क्यों? यू आर बिहेविंग वेरी स्ट्रेंजली टुडे। ये को हिराए की तरफ से वो वार्म्थ देखकर कोमी इमोशनल हो गई थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। ये देखकर हिराए और परेशान हो रही थी। कोमी और वो दोनों कुछ देर तक तो एक दूसरे को देख रहे थे और कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। हिराए बोलना तो बहुत कुछ चाहती थी। बोलना चाहती थी कि आज तुम घर मत जाना, प्लीज यहीं पर रुक जाना, तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाएगा। पर ये सब कुछ बोलने का कोई फायदा तो नहीं था, क्योंकि प्रेजेंट कभी भी चेंज नहीं होने वाला। वो आज चाहे कुछ भी करे। दोनों की जैसे आंखें बातें कर रही थी। ऐसा पहली बार ये हो रहा था और कोमी को ये सब कुछ बहुत स्ट्रेंज लग रहा था। उसकी बड़ी बहन जो हमेशा उससे भागती रहती थी, उससे बहुत रूडली बात करने लगी थी, उसे बहुत अवॉइड करने लगी थी, वो आज उसके सामने बैठी थी, उससे मिल रही थी, उससे प्यार से बात कर रही थी। कोमी के लिए ये सब कुछ बहुत स्ट्रेंज था, पर वो बहुत खुश थी। खुशी के आंसू उसकी आंखों से बहने लगे थे। ये देखकर हिराए की आंखों से भी आंसू बहने लगे थे। सिस, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ घर चलें। हाँ कोमी, मैं आऊंगी घर। सच में आप घर आएंगी? ओ माय गॉड, मुझे तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा सिस। ओ आई एम सो हैप्पी।
आप जानती हैं मेरा ये सपना था कि हम दोनों एक साथ काम करें, हम दोनों एक साथ मिलकर मम्मी पापा का बिजनेस संभालें। आप आएंगी ना सिस? पक्का हम दोनों एक साथ काम कर पाएंगे ना? मेरा सपना पूरा होगा ना सिस? कोमी का ये सपना सुनकर हिराय बहुत इमोशनल हो रही थी, क्योंकि उसे हमेशा से लगता था कि कोमी उसे घर ले जाना चाहती है और खुद फ्री होना चाहती है। उसने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि उसकी वो छोटी सी प्यारी सी बहन हमेशा उसके साथ रहना चाहती है, उसका प्यार चाहती है, उसका सपोर्ट चाहती है। उसने कितना मिसअंडरस्टैंड किया, कभी कोमी के लेटर्स नहीं पढ़े। आज आप यहाँ मुझसे इतने अच्छे से बात कर रही हैं, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा दी। क्यों? इसमें विश्वास ना करने की क्या बात है? हिराय ने कहा। अच्छा, और जो पिछली बार मैं आई थी आपने अपने पब का दरवाजा बंद कर लिया, दरवाजा ही नहीं खोला था, और उससे पिछली बार आप रोड के उस तरफ भाग गई थी, और उससे पिछली बार आपने मुझसे कितनी गंदी तरह बात की थी। हिराय जानती है कि ये लिस्ट तो कभी खत्म होगी ही नहीं। आई एम सॉरी कोमी, मैंने जो भी किया उसके लिए। ओ नहीं सिस, आपको सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। I'm so happy कि आप मेरे साथ घर जाने को तैयार हैं। Oh no, आंसू बह बह के मेरा पूरा मेकअप ही खराब हो गया। आप रुकिए, मैं मेकअप ठीक करके आती हूँ। कोमी, हिराय ने आवाज लगाई। हाँ सिस, क्या हुआ? मैं अभी आ रही हूँ। वो कहना तो चाहती थी कि मत जाओ, प्लीज मत जाओ, प्लीज यहीं पर रुक जाओ, आज घर मत जाओ, आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन है। पर कॉफी के कप में से बीप बजना शुरू हो गई थी। कोमी वॉशरूम चली गई थी। के ने देखा तो वो समझ गई, ये इंडिकेटर काजू हमेशा उसके कप में रखती है जो किसी डेड पर्सन से मिलने जा रहा हो। क्या कोमी? हिराय ने सर हिला दिया, आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। हिराय जल्दी से ये कॉफी पी लो, कॉफी ठंडी हो रही है, तुम्हें लौटना भी तो है। नहीं खे, मैं ये कॉफी नहीं पी पाऊंगी। हिराय के लिए सब कुछ बहुत मुश्किल हो रहा था। वो कोमी को एक बार और देखना चाहती थी, वो वापस नहीं लौटना चाहती थी, कोमी को हग करना चाहती थी, उसे रोक लेना चाहती थी। पर के ने उसे इंसिस्ट किया कि उसे कॉफी पीनी ही होगी, क्योंकि उसने अभी अभी कोमी को प्रॉमिस किया है कि वो घर जाएगी, माँ बाप के पास रहेगी, उसका सपना पूरा करेगी, और कोमी के लिए उसे कॉफी पीनी होगी। हिराय जानती थी कि के बिल्कुल सच कह रही है। उसने कॉफी का कप उठाया, एक ही सिप में पूरी कॉफी पी ली। तभी वॉशरूम का दरवाजा खुला था, कोमी का चेहरा उसने देखा था, बट कोमी उसे नहीं देख पाई थी। क्या हुआ? यहाँ मेरी पिक सिस थी, वो कहाँ चली गई? कोमी बड़ी परेशान हुई थी। जिस पर के ने कहा था वो उन्हें कहीं जाना पड़ गया, बट वो प्रॉमिस करके गई है कि घर जरूर जाएंगी। सच में? थैंक यू सो मच। कोमी के चेहरे की वो आखिरी स्माइल हिराय ने देखी थी, आंखों से बहते हुए आंसुओं के साथ वो प्रेजेंट में लौट आई थी। तभी वो वाइट ड्रेस वाली लड़की आ गई थी और उसने कहा मूव। हिराय वहां से खड़ी हो गई। मुझे घर जाना होगा, मेरे मॉम डैड को मेरी जरूरत है। ये कहकर हिराय कैफे से बाहर जा रही थी और के उसके साथ बाहर तक आई थी। अंदर खड़ा खड़ा नगारे उन दोनों को देख रहा था। के अपने पेट पर हाथ फेर रही थी। क्या के ये मैनेज कर पाएगी? नगारे सोच रहा था। के एक वीक हार्ट के साथ पैदा हुई थी। बचपन से ही उसका हार्ट वीक था, जिसकी वजह से डॉक्टर ने उसे कहा था कि वो फिजिकल एक्टिविटीज नहीं कर सकती। उसे अपने आप को ज्यादा थकाना नहीं है। के बहुत ही फन लविंग थी, उसे खुश रहना पसंद था, हंसना पसंद था, लोगों से बातें करना पसंद था। उसे सोच लिया था कोई बात नहीं, अगर मैं ज्यादा खेल नहीं सकती, ज्यादा फिजिकल एक्टिविटीज नहीं कर सकती, तो कोई बात नहीं, मैं नहीं करूंगी। वो स्पोर्ट्स डेज में जाती थी, चीयर करती थी लोगों को, किसी ना किसी तरह से छोटी छोटी चीजों में पार्ट ले लेती थी। सब डांस कर रहे होते थे तो वो साइड में खड़े होकर हिल लेती थी। सब लोग उसे बहुत प्यार करते थे, बहुत ही फन लविंग, बहुत ही हेल्पिंग, बहुत ही प्यारी सी लड़की।
जो सबके दिलों पर राज करती थी। कितना भी अपना ध्यान रखे पर उसकी तबीयत खराब होती थी, कुछ कुछ टाइम के बाद उसे हॉस्पिटल जाना पड़ता था। उस समय वो 17 साल की थी, हॉस्पिटल में एडमिट थी। अपना टाइम वो बाकी पेशेंट से और नर्सेस से बात करके गुजारती थी। खुश रहना उसकी लाइफ की मेन प्रायोरिटी थी। तभी हॉस्पिटल में उसने पहली बार देखा था नगारे को, नगारे जिसकी बॉडी पर पूरे बैंडेजेस लगे हुए थे। जब के ने उसे दूर से देखा था तो वो आम लड़कों से बहुत बड़ा और बहुत ह्यूज दिखा था उसे। उसने तब उसका नाम मम्मी मैन रख दिया था। नर्स ने बताया था कि ये मम्मी मैन, इसका रोड पर एक्सीडेंट हुआ है। ये सड़क क्रॉस कर रहा था, तभी कार और एक ट्रक का एक्सीडेंट हुआ। ट्रक इसे घसीटता हुआ दूर तक ले गया, पूरे शरीर पर चोटें लग गई थी। अगर उसकी जगह कोई और होता तो शायद दम तोड़ देता, पर ये इतना स्ट्रांग था कि उसके बाद भी खड़ा हुआ। ट्रक के ड्राइवर को चोट लगी थी, वो बेहोश हो गया था। उसने उसे अपने कंधे पर उठा लिया था और लोगों को कहा था कि जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ। अपना ध्यान ना रख के उसने दूसरों की केयर की थी। के को ये बात सुनने के बाद उस पर क्रश हो गया था और वो सीधा उसके पास गई थी और कहा था, मुझे लगता है कि मुझे तुमसे शादी करनी है। ये सुनकर नगारे हैरान तो हुआ था, पर उसने कहा था, अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो कैफे में काम करना होगा। 3 साल तक इन दोनों का रिलेशनशिप चला, उसके बाद दोनों ने शादी कर ली थी। तब से ही के यहाँ कैफे में काम कर रही है। बहुत खुशी खुशी ये दोनों रह रहे हैं। नगारे कभी भी उसी किसी डिसीजन में इंटरफेयर नहीं करता, उसको पूरी तरह से सपोर्ट करता है। कुछ कुछ टाइम के बाद के को हॉस्पिटल जाना पड़ता है, पर वो उसका पूरा ध्यान रखता है और दूसरी तरफ उसे पूरी प्राइवेसी भी देता है, फ्रीडम भी देता है अपनी जिंदगी के डिसीजंस लेने की। के जब प्रेग्नेंट हुई तब नगारे ने डॉक्टर से जाकर बात की थी और डॉक्टर ने कहा था कि जो के हार्ट की कंडीशन है उससे लगता नहीं है कि वो ये डिलीवरी बर्दाश्त कर पाएगी। इस डिलीवरी में या तो के ही बचेगी या बच्चा ही बचेगा और हो सकता है दोनों में से कोई भी ना बचे। आपको अगर प्रेगनेंसी टर्मिनेट करनी है तो जल्दी से जल्दी डिसीजन लेना होगा। नगारे ने जब ये सारी बातें के को बताई थी तो के ने कहा था, मैं जानती हूँ। उसने डिसाइड किया था कि वो इस बच्चे को जन्म देगी। वो सुबह उठते ही अपने बेबी को गुड मॉर्निंग कहती थी, दोनों रोल खुद ही प्ले कर लेती थी और बच्चे की तरफ से अपने आप को गुड मॉर्निंग कह देती थी। उसे कहती थी, ये जो ह्यूज से है ना, ये तुम्हारे पापा हैं। पर इनकी सिर्फ बॉडी ह्यूज नहीं है, इनका हार्ट भी बहुत ह्यूज है। Oh, I just can't wait to see you. Even we are eager to see you, my baby. We are waiting for you too badly. इस तरह से के अपने बच्चे से पूरा टाइम बात करती रहती थी। नगारे को के की बहुत टेंशन थी, पर उसके डिसीजन में उसने इंटरफेयर नहीं किया था। जो होगा देखा जाएगा। उस दिन फ्यूमिको कैफे में आई हुई थी। वो अक्सर कैफे में आ जाती थी और उस शॉर्ट स्लीव वाली वाइट ड्रेस में जो लड़की है उसके सामने आकर बैठी थी, उसे देखती रहती थी। आज भी ऐसा ही कुछ हो रहा था, जैसे वो कुछ सोच रही थी। तब कोटाके ने उससे पूछा था, क्या हुआ, तुम क्या सोच रही हो? काजू, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। हाँ पूछो। मैं सोच रही थी कि अगर हम पास्ट में जा सकते हैं तो क्या हम फ्यूचर में नहीं जा सकते? कोटाके ने कहा, हाँ यार, ये तो इंटरेस्टिंग चीज है, मैं भी इस बात का जवाब जानना चाहती हूँ। काजू ने कहा, हाँ जा सकते हैं, बट आज तक कभी कोई नहीं गया। क्यों, ऐसा क्यों, कोई क्यों नहीं गया? कोटाके भी यही सोचने लगी, जिस पर काजू ने कहा, कंडीशन, तुम्हें क्या पता कि जैसे तुम्हें मिलना है वो कब इस कैफे में आया होगा? ओ, रूल तो फ्यूमिको भूल ही गई थी। ऑब्वियसली अगर आप फ्यूचर में चले भी जाओ और जिससे आपको मिलना है वो कैफे में हो ही ना, तो फायदा क्या होगा आने का? और फ्यूचर में क्या होने वाला है ये तो कोई बता नहीं सकता, तो कैसे आपको पता होगा कि वो इंसान जिससे आपको मिलना है वो उस दिन कैफे में होगा? रूल तो एक और भी था, काजू सोचने लगी, जो एक बार उस सीट पर बैठ गया है वो दोबारा उस सीट पर नहीं बैठ सकता। बट अगर वो ये रूल फ्यूमिको को बताती है तो वो फिर काउंटर क्वेश्चंस करेगी। उस टीडियस आंसर को देने के लिए काजू तैयार नहीं थी, इसलिए वो चुप रही। नगारे ने पूछा, क्यों, किससे मिलने जाना है? अपने बॉयफ्रेंड से? नहीं, मतलब ऐसे ही जानना है कि तुम दोनों की शादी हो गई या नहीं।
नहीं नहीं, आई मीन इट्स नॉट लाइक दैट। फ्यूमीगो बहुत ज्यादा ब्लश करने लगी थी। इतना एम्बैरस होने की भी कोई जरूरत नहीं। नहीं, मैं एम्बैरस, इट्स नॉट दैट, आप गलत सोच रहे हो। फ्यूमीगो वहां से उठी थी और कैफे से बाहर चली गई थी। थोड़ी देर के बाद के की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। उससे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। कोटाके जो कि एक नर्स है, वो के की कंडीशन समझ पा रही थी। उसने के से कहा था, मुझे लगता है कि तुम्हें हॉस्पिटल जाने की जरूरत है। नो आई एम फाइन। काजू ने भी कहा कि मुझे तो आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, आप हॉस्पिटल चलो ना। नो आई एम सेइंग आई एम फाइन, मुझे कहीं नहीं जाना। नगाड़े ने भी कंसर्न के साथ के की तरफ देखा था और कहा था, प्लीज बता दो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना। नहीं मेरी तबीयत ठीक है, मैं बस थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ। ये कहकर के अंदर कमरे में चली गई थी। नगारे भी उसके पीछे पीछे कमरे में गया था, काजू को कहकर कि कैफे का ध्यान रखना। सबने के को समझाने की कोशिश की थी, पर के ने हॉस्पिटल जाने से इनकार कर दिया था। नगारे भी डिसअपॉइंट होकर वापस आ गया था, वो बहुत ज्यादा टेंशन में था। शाम हो गई थी, अभी भी कोटाके कैफे में ही बैठी हुई थी। उसने नगारे से कहा, आई एम सो वरीड अबाउट के। आई नो, बट तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं। तभी काजू जो के को समझाने रूम में गई थी, वो बाहर आ गई थी। कोटाके ने काजू से पूछा, अब कैसी तबीयत है के की? के पीछे से चलती हुई आ रही थी। ओ माय डियर, तुम ठीक हो ना? कोटाके ने कहा। नगारे ने भी कंसर्न के साथ के की तरफ देखा। के ने कहा, आई एम सॉरी डियर। सॉरी किस लिए? मैं हॉस्पिटल जाने को तैयार हूँ, बट मुझे लगता है कि अगर अभी मैं हॉस्पिटल गई तो शायद वापस घर कभी नहीं आ पाऊंगी, इसीलिए मैं रेजिस्ट कर रही थी। बट तुम यही चाहते हो तो मैं कल हॉस्पिटल जाने को तैयार हूँ। मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरा बच्चा खुश रहे। उसने अपने पेट पर हाथ रखा। आई एम सॉरी माय बेबी, पता नहीं मैं तुम्हें खुश देख पाऊंगी या नहीं, पता नहीं क्या होने वाला है। क्या इतनी सी इच्छा रखना कि मेरा बच्चा खुश रहे, ये गलत है? के की आंखों से आंसू बह रहे थे। वहां आसपास सब लोग बड़े परेशान हो गए थे। हमेशा चीयरफुल रहने वाली के बहुत ज्यादा उदास थी, बहुत ज्यादा चिंता में थी। कैफे में बिल्कुल सन्नाटा था। तभी उस वाइट ड्रेस वाली लड़की ने अपनी बुक बंद की, के की तरफ देखा और ब्लिंक किया, जैसे कुछ इंडिकेशन दी हो, और खड़ी हो गई टॉयलेट जाने के लिए। के भी खिंची हुई उस सीट की तरफ चली गई। तुम वहां क्यों जा रही हो? के ने नगाड़े की तरफ देखा। उस समय सब लोग समझ गए थे कि के क्या सोच रही है। फ्यूमीगो की बात सबको याद आ गई थी। क्या इस सीट पर बैठकर हम फ्यूचर में भी जा सकते हैं? नगाड़े जो कभी भी के की किसी बात में इंटरफेयर नहीं करता था, उसने बहुत स्ट्रांगली कहा, नहीं तुम उस सीट पर नहीं बैठोगी। नगाड़े को टेंशन थी, अगर उसका बच्चा पैदा होते ही मर गया तो के कितनी दुखी हो जाएगी, उसके लिए आगे का टाइम काटना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो के को और दुखी नहीं देखना चाहता था। बट पहली बार नगाड़े की बात काटते हुए काजू ने कहा, दी आप कितने साल आगे जाना चाहती हो? नगाड़े ने गुस्से से कहा, काजू। काजू के पास आ गई, वहां से पुराना पड़ा कॉफी का कप उठाया, के की मदद की, उसे उस सीट पर बिठाया। के भी हैरान थी कि काजू नगाड़े की मर्जी के बिना कभी कुछ नहीं करती, आज उसे क्या हुआ है? बट काजू अंदर चली गई थी। के ने नगाड़े की तरफ देखा, ठीक है तुम्हें जो करना है करो। थैंक यू डियर। काजू अपनी उस सिल्वर ट्रे, सिल्वर कैटल और वाइट कप के साथ आ चुकी थी। ट्रे उसने टेबल पर रख दी थी। आई विल बी बैक सून डियर, के ने नगाड़े से कहा। उसने अपना मुंह मोड़ लिया था। कितने साल आगे जाना है दी? 27 अगस्त से 10 साल आगे। काजू जानती है 27 अगस्त को के का बर्थडे होता है। अच्छा दी, और टाइम? दोपहर के 3 बजे।
ओके 27 अगस्त से 10 साल आगे दोपहर के 3 बजे राइट क्या राइट काजू ने केटल हाथ में उठा ली थी दी डोंट फॉरगेट टू ड्रिंक द कॉफी बिफोर इट गेट्स कोल्ड के ने सर हिला दिया था कॉफी पोर होते ही उसमें से स्टीम निकलने लगी थी सब कुछ जैसे फास्ट फॉरवर्ड हो रहा था के ने अपनी आंखें बंद कर ली थी जब उसने आंखें खोली तो कैफे पहले जैसा ही था बट वहां कोई भी नहीं था काउंटर के पीछे एक अनजान आदमी जिसने पैंट पहनी हुई थी शर्ट वेस्ट कोट पहना हुआ था बाल छोटे थे जब के ने उसकी तरफ देखा तो उसके राइट आई से राइट ईयर तक एक बड़ा सा स्कार था एक अनजान आदमी को कैफे में काम करते हुए देखकर के परेशान हुई थी कैन आई टॉक टू द मैनेजर हियर के ने कहा दैट्स सपोज्ड टू बी मी यू आर द मैनेजर हियर यस ऑफ दिस कैफे यप व्हाट्स रॉन्ग ओह के अपना सर पीछे रखकर चुपचाप बैठ गई थी क्या करे वो टाइम में 10 साल आगे आई है या कैफे में कोई नहीं है एक अनजान आदमी मैनेजर व्हाट हैपेंड टू द प्रीवियस मैनेजर के ने कहा प्रीवियस मैनेजर या वो जो बहुत ह्यूज से थे यू मीन नगाड़े या नगाड़े वेयर इज ही वो तो होकाइडो में है होकाइडो बट क्यों दैट आई डोंट नो God. इसका मतलब के का यहाँ पर आना बेकार हो गया फ्यूचर में जाना एक्चुअल में गैम्बल की तरह ही है आप नहीं जानते कि फ्यूचर में क्या होने वाला है अगर फ्यूमिगो की ही बात करो उसके बॉयफ्रेंड गोरो ने अगर प्रॉमिस भी किया होता कि 3 साल के बाद इस डेट को इसी कैफे में वो उससे मिलने आएगा तो भी हो सकता है ना कि कोई इंसिडेंट हो जाए वो लेट हो जाए उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाए कुछ काम पड़ जाए और वो ना आ पाए फ्यूचर तो अनसर्टन ही होता है ना यहाँ आकर उसने कोशिश की थी अपने बच्चे से मिलने की पर शायद ये पॉसिबल नहीं था आप यहाँ नगाड़े से मिलने आई थी के चुप हो गई थी क्या जवाब दे वो इस बात का वो नहीं जानती थी उसके पास बहुत कम टाइम है और यहाँ पर आना उसका बेकार हुआ है तो क्या आप काजू से मिलने आई थी हाउ कैन आई फॉरगेट काजू काजू कहाँ पर है इतनी एक्साइटमेंट देखकर वो आदमी एक बार तो चुप हो गया था वो भी नगाड़े के साथ होकाइडो में ही है What? Even she is not here? ये के लिए एक बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट थी एक बहुत बड़ा ब्लो होकाइडो जो कि यहाँ से 1000 मील दूर है उन लोगों से मिलना तो अब पॉसिबल हो ही नहीं सकता बट अगर वो एक स्टेशन दूर होते तब भी नहीं मिल पाते क्योंकि कॉफी ठंडी हो जाती और के को वापस जाना पड़ता तभी कैफे की बेल बजी के ऑटोमेटिकली आवाज लगाने वाली थी हेलो वेलकम बट उस आदमी ने बोल दिया सामने 14-15 साल की एक प्यारी सी लड़की खड़ी थी जो कि स्कूल ड्रेस में थी बालों की पोनीटेल बनाई हुई थी के उसे देखते ही पहचान गई थी वो लड़की जो कि पास्ट में से आई थी के साथ फोटोग्राफ खिंचवाने ओह माय गॉड हाय हम दोनों ने एक साथ फोटोग्राफ खिंचवाई थी व्हाट What are you saying? Oh, के समझ गई थी वो इंसिडेंट शायद बाद का होगा तभी इस लड़की को याद नहीं है वो लड़की सीधा अंदर गई और उसने एप्रन पहन लिया वो एप्रन जो कभी के पहना करती थी शायद वो मैनेजर की बेटी हो इस लड़की से के दोस्ती करना चाहती थी अभी तक के बहुत डिसअपॉइंटेड थी बट इस लड़की को देखकर वो थोड़ी चेयरफुल हो गई थी वो इस लड़की से बात करना चाहती थी बट वो लड़की के से बात करने में इंटरेस्टेड ही नहीं थी तभी कैफे का फोन बजा एक बार तो के खड़ी होने लगी थी फोन उठाने के लिए पर तभी उसे रूल याद आ गया था और वो सीट पर ही बैठी रही थी फोन मैनेजर ने उठाया था और उसके बाद वो फोन लेकर के पास आ गया योर कॉल हाँ मेरे लिए कॉल यस नगाड़े के ने फटाफट से फोन लेकर कान पर लगाया नगाड़े Where are you? तुम
होकाइडो में क्यों हो? मुझे बता सकते हो तुम वहाँ क्यों चले गए हो? और यहाँ पर ये मैनेजर, ये सब क्या हो रहा है? नगाड़े के पीछे बहुत ज्यादा शोर आ रहा था। उसने के से कहा कि मेरी बात ध्यान से सुनो। बहुत मुश्किल से एक कान पर फोन दूसरे कान पर हाथ रख के टूटी फूटी नगाड़े की बात सुन पाई थी। नगाड़े ने कहा था, वो जो लड़की स्कूल ड्रेस में है वो हमारी बच्ची है। एक्चुअल में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। उसने इयर्स चूज किए थे 10 इयर्स फॉरवर्ड और टाइम चूज किया था 15 यानी कि 3 PM, बट इयर्स हो गए 15 और टाइम हो गया 10 AM। जो सामने 15 साल की लड़की खड़ी है वो के की बेटी है, के और नगाड़े की बेटी। के ने बीच वाली क्लॉक में देखा तो सुबह के 10 बजे थे। अब के समझ पाई थी कि वो लड़की के की तरफ देख भी क्यों नहीं रही थी। वो डेफिनेटली पहचान गई थी कि के उसकी माँ है, बट के कितनी स्टूपिड है, वो अपनी बच्ची को पहचान नहीं पाई। एक्चुअल में ईयर डिफरेंस बहुत ज्यादा था, 10 साल आगे जाना था और 15 साल आगे पहुंच गई थी। अब उसे टाइम वेस्ट नहीं करना, कॉफी ठंडी होने वाली है। के ने उस लड़की की तरफ देखा जिसने मुंह नीचे किया हुआ था। क्या नाम है तुम्हारा? उस लड़की ने अभी भी चेहरा नीचे ही किया हुआ था। के उसे कहना चाहती थी, I'm sorry, इस दुनिया में लाने के अलावा मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाई। मिकी, मिकी नाम है मेरा। ओह, नाइस नेम। उसने के की तरफ देखा और वो अंदर भागने लगी। मैनेजर ने आवाज लगाई, क्या हुआ मिकी, तुम ठीक हो ना? उसने कुछ जवाब नहीं दिया। के बहुत डिसअपॉइंट हो गई थी। कभी कैफे में बेल बजी और भागती हुई एक लड़की आ रही थी जिसने एप्रन पहना हुआ था। ओह माय गॉड, मिकी कहाँ है? के उस लड़की को पहचान गई थी। 15 साल हो गए थे, वो पहले बहुत स्लिम थी, अब मोटी हो गई थी, पर डेफिनेटली वो फ्यूमिगो ही थी। आप मिकी से मिली? हाँ, काइंड ऑफ। अच्छे से बात की? नहीं। ओह माय गॉड, मिकी अंदर क्यों चली गई? रुको, मैं उसे बुलाकर लाती हूँ। फ्यूमिगो? हाँ। नहीं, रहने दो, शायद मिकी मुझसे बात नहीं करना चाहती। ऐसा कुछ नहीं है, वो पता नहीं कितने दिनों से इस दिन का इंतजार कर रही थी। आप रुको, मैं अभी उसे बुलाकर लाती हूँ। फ्यूमिगो कमरे के अंदर चली गई और मिकी के कंधे पर हाथ रखकर उसे लेकर आई। माय बेबी, प्लीज टॉक टू हर, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। फ्यूमिगो ने मिकी को के सामने खड़ा कर दिया और खुद अंदर चली गई। तुम ठीक हो? मिकी ने नीचे देखते हुए ही कहा। तुम यहाँ पर काम करती हो क्या? तुम तकाड़े और काजू के साथ नहीं गई? निकी ने मुंह पर किया, के की तरफ देखा और कहा, एक्चुअल में इस सीट पर बैठने वाले लोगों को कॉफी मैं सर्व करती हूँ, जैसे काजू करती थी। के बहुत कुछ कहना चाहती थी पर उसके मुंह से जैसे कोई शब्द निकल नहीं रहे थे। उसने कॉफी को चेक किया जो कि ठंडी होने वाली थी। के ने फ्यूचर में आकर मिकी के लिए क्या ही अच्छा किया, वो उदास है और आगे आने वाले टाइम में शायद और उदास हो जाएगी। के की आंखों से आंसू बह रहे थे, तब मिकी ने उसकी तरफ देख कर कहा, आप फ्यूमिगो को पूछ रही थी ना कि मैं अंदर क्यों गई? ऐसा नहीं है कि मैं आपसे बात नहीं करना चाहती थी, इंतजार कर रही थी आपका, पर मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं आपको क्या कहूं। ऐसा ही कुछ तो के साथ भी हो रहा था, जो समझ नहीं पा रही थी क्या कहे, कैसे अपनी फीलिंग्स बयां करे। बट मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपने मुझे बहुत अच्छी लाइफ दी है, आई एम वेरी हैप्पी। ये सुनकर के की आंखों से आंसू बहने लगे थे। माम, उसकी बच्ची उसे माँ कहकर पुकार रही है, आंसू लगातार बह रहे थे। माम, के जानती है कि समय बहुत कम है। उसने अपने दोनों हाथों से अपनी आंखों के आंसू पोंछते हुए कहा, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग मी इनटू दिस वर्ल्ड,
के जिसके लिए अपने इमोशन संभालना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। थैंक यू सो मच मम। के समझ गई थी फ्यूचर में जाने से चाहे हम कुछ ना बदल सकते हो, पर अगर कुटाके की बात करें वो पास्ट में गई तो उसका एटीट्यूड फुसागी की तरफ जरूर बदला, उसकी बीमारी की तरफ जरूर बदला। वो उसकी नर्स नहीं, उसकी वाइफ बनकर ही जीना चाहती है, चाहे वो उसे ना पहचानता हो। हीको हुराए जिसका एटीट्यूड बदल गया, अपने पेरेंट्स के पास चली गई, उनकी मदद कर रही है। कोटाके के लिए चाहे और कुछ ना बदला हो, पर उसका फुसागी के साथ बात करने का तरीका जरूर बदला है। वो उसके साथ अपने रिश्ते को एंजॉय कर रही है। यीको हुराए जो अब बहुत खुश है, अपने पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप भी इम्प्रूव कर रही है, साथ साथ उनका फैमिली बिजनेस भी सीख रही है। इस सबसे के समझ गई थी कि मिकी जो अकेली नहीं है, फ्यूमिगो 15 साल से उसे सपोर्ट कर रही है, नकाडे उसका ध्यान रख रहा है, एक बहुत प्यार करने वाला फादर बनके, काजू उसकी बड़ी बहन या फिर उसकी माँ का रोल प्ले कर रही है, उसे सब कुछ सिखा रही है, उसके आसपास इतने सारे प्यार करने वाले लोग हैं। के ने कहा, थैंक यू सो मच फॉर ग्रोइंग सो हैप्पीली एंड सो हेल्दीली, तुम्हें आज खुश देखकर मैं बहुत खुश हूँ, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग माय डॉटर। अपनी बच्ची का वो मुस्कुराता हुआ चेहरा, आंखों में भरे आंसू, बहुत मिस्ड कंडीशन में के प्रेजेंट में आ गई थी, पर सब समझ गए थे कि उसकी आंखों के वो आंसू दुख के नहीं बल्कि खुशी के आंसू हैं। अगले दिन के हॉस्पिटल में एडमिट हो गई थी। एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची को जन्म देकर वो इस दुनिया से चली गई थी। न्यूज़पेपर में आर्टिकल जरूर छपा था कि अगर आप प्रेजेंट चेंज नहीं कर सकते तो उस चेयर पर बैठने का क्या फायदा जो आपको फ्यूचर या फिर पास्ट मिल जाती है। फटकाजू जानती है ये चेयर अगर प्रेजेंट नहीं भी बदल सकती तो ये किसी का भी दिल बदल सकती है, और अगर ये आपके थॉट प्रोसेस में चेंज ला सकती है, आपके हार्ट में चेंज ला सकती है, तो इस चेयर का अपना एक पर्पस है। फटकाजू फिर भी बहुत कूली कहती है, ड्रिंक द कॉफी बिफोर इट गेट्स कोल्ड। और मैं भी आपको यही कहती हूँ, डू ड्रिंक द कॉफी बिफोर इट गेट्स कोल्ड, क्योंकि कॉफी गर्म बहुत अच्छी लगती है। इसी के साथ उम्मीद करती हूँ कि आपको कहानी सुनने में बहुत मजा आया होगा, आप इमोशनल भी जरूर हुए होंगे और कहीं कहीं आप मुस्कुराए भी जरूर होंगे। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी है लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिए। एक और काम मैंने आपको दिया है, अपनी पसंद की नॉवल की समरी अगर आप सुनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए उस नॉवल का नाम जिसकी समरी आप चाहते हैं मैं इस चैनल पर शेयर करूं। जल्दी से जल्दी मैं आपकी पसंद की नॉवल की समरी जरूर लेकर आऊंगी। टिल देन यू स्टे हैप्पी, कीप स्माइलिंग, कीप वेटिंग फॉर मी, आई विल बी बैक सून विद येट अनदर इंटरेस्टिंग नॉवल। स्टे हैप्पी, बाय बाय।